चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपको क्या दिया था, आपको सिल्वर मेटल का एग्जांपल दिया है जहां पे आप रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हो। रेडिएशन इंसिडेंट कराने से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है और उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपने पोटेंशियल अप्लाई किया 0.35, दैट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया है 0.35 वोल्ट। जो रेडिएशन आपने इंसिडेंट कराया था उसका वेवलेंथ दिया है और आपको पूछा है सिल्वर का वर्क फंक्शन कितना होगा। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होता है, अगर आपको उसको रोकना है तो आपको उस काइनेटिक एनर्जी को काउंटर अटैक करना पड़ेगा, राइट। तो उस काइनेटिक एनर्जी को काउंटर अटैक करने का काम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, राइट ओके। तो मैं स्टेटमेंट क्या लिख दूंगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज। आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया उससे जो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, वो काइनेटिक एनर्जी को न्यूट्रल कर देगा और इलेक्ट्रॉन को रोक देगा वहीं पे, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज। और किसी भी चार्ज को वोल्टेज में रखने से एनर्जी होता है क्यू इंटू वी, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो वी विल राइट ई इंटू वी, ओके। चलिए आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया ई वी जीरो, एंड इंसिडेंट एनर्जी क्योंकि वेवलेंथ दिया वी विल राइट एफ सी बाई लैम्बडा। यहाँ पे आपका आंसर जूल में आएगा, अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो सबको यहाँ पे ई से डिवाइड कर दो ये वाला स्टेप, राइट। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट, यहाँ पे ई कट हो जाएगा, यहाँ पे आप सारी वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करो, योर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 4.489 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा 4.489 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज योर वर्क फंक्शन, नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज इट, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर, ओके। चलो क्विकली कॉपी करो। सो इन दैट क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिया हुआ है, इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 नैनोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम, तो दिस इज योर एटम कंसिडर, एंड द फोटोन इज स्ट्राइकिंग एंड दिस फोटोन हैज सम वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, 150 पिकोमीटर, पिको इज 10^-12 मीटर। द फोटोन विद दिस वेवलेंथ इज स्ट्राइकिंग विद एन एटम एंड वन ऑफ इट्स इनर बाउंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट, चलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ विद द काइनेटिक विद द वेलोसिटी ऑफ 1.5×10^7 मीटर पर सेकेंड। यू वॉन्ट टू फाइंड कैलकुलेट द एनर्जी विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, कितनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ था वो फाइंड करना है आपको, राइट। तो वी नोज दैट द एनर्जी विद विच The इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज वॉट, क्या कहते हैं उसको हम, वर्क फंक्शन, राइट। इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी से बंधा होगा उसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, और वही मिनिमम एनर्जी है जो आपको देना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो, यस और नो, दैट इज द मिनिमम एनर्जी यू नीड टू गिव इफ यू वॉन्ट टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस इज वर्क फंक्शन, कितना होता है बच्चों वो एनर्जी, इज वर्क फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एटम, राइट ओके। तो ये मिनिमम एनर्जी का आपको शब्द बदल के पूछा गया है, आपको फाइंड वर्क फंक्शन ही करना है। चलिए तो मैं लिख दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये भी, क्योंकि आपने फोटोन इंसिडेंट कराया इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो लिखेंगे फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वापस वही फॉर्मूला जो अप्लाई करना है, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलिए इंसिडेंट के लिए आपको वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी कितना होगा, एच सी बाई लैम्बडा, ये आपको फाइंड करना है मिनिमम एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, चलिए एच का वैल्यू 6.626×10^-34, सी का वैल्यू 3×10^8, डिवाइड बाई वेवलेंथ कितना दिया है आपको 150×10^-12 इज इक्वल टू 5, जो आपको चाहिए मिनिमम एनर्जी, हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद हो जाना चाहिए 9.1×10^-31 kg, एंड वेलोसिटी दिया है 1.5×10^7, उसका क्या करोगे आप, स्क्वायर करोगे। चलो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, 6.626 × 3 डिवाइड बाई 150, ओके दिस इज 0.1352×10^ कितना होगा 34 + 8
प्लस 12, दिस इज 10 पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा बच्चों ये 9.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 ओके, और 10 पावर कितना रहेगा इसका, दिस इज 10.2375 और 10 पावर कितना रहेगा इसका 14 एंड माइनस 31 प्लस 14 दिस इज 10 पावर माइनस 17 ओके। अब आपको इसको सामने लेके सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट तभी हो पाएगा जब दोनों तरफ 10 का पावर सेम हो ओके। चलिए मैं एक स्टेप नीचे लिखता हूँ, 0.1352 इंटू 10 पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 5 प्लस, चलिए इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.01023 इंटू 10 पावर माइनस 14। कैन यू राइट इट लाइक दिस, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे जो है ना बच्चों को 10 पावर माइनस 17 है, कितना है यहाँ पे 10 पावर माइनस 17 है राइट। आई नो कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आ रहा है लाइट का, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल होगा देखने में, मैं आपको बता देता हूँ दिस इज 10 पावर माइनस 17, मैंने 3 पॉइंट आगे हटा दिए तो ये 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा। चलिए अब इसको सामने ले लीजिए, 0.1352 माइनस 0.01023 राइट इंटू 10 पावर माइनस 14 कॉमन इज इक्वल टू 5, सो दिस 5 इज गोइंग टू बी 0.1352 माइनस 0.01023 एंड दिस इज 0.12497 इंटू 10 पावर माइनस 14 जूल, सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी 1.2497 इंटू 10 पावर माइनस 15 जूल, दिस इज द एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड, एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, दिस इज द एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्लियर ओके समझ गए पूरा कैलकुलेशन। चलिए कॉपी करेंगे क्विकली सब लोग। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, यू आर गिवन विद द इक्वेशन ऑफ द पाश्चन सीरीज, जो हमें भी पता है बट ये इक्वेशन जो है ना वो न्यू के फॉर्म में दिया है, पीछे यूनिट देखो हर्ट्ज है, हर्ट्ज है मतलब ये आपका कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, इट इज अ फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी राइट। पाश्चन सीरीज में जो भी लाइन्स एमिट होंगे, पाश्चन सीरीज में जो भी लाइट एमिट होने वाले हैं उसके फ्रीक्वेंसी का आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, अगर नहीं भी दिया हो ना तो भी आप खुद लायक होने चाहिए ये लिखने के लिए, क्योंकि रिडबर्ग इक्वेशन आपको पता है और आपको ये भी पता है कि पाश्चन मतलब फाइनली तीन में आना है, लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से थ्री में आएगा, यस और नो, तो ये वैल्यू आपको पता है कि थ्री ही आने वाला है यहाँ पे। आपके पास जो फॉर्मूला है वो 1/λ का है, रिडबर्ग इक्वेशन में क्या है बच्चों 1/λ होता है, 1/λ इज इक्वल टू 1096771 1/N1² - 1/N2² सेंटीमीटर इनवर्स, बट यहाँ पे फॉर्मूला आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बना के दे दिया गया है राइट। चलिए और आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बना के दे दिया गया है, आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस एन फॉर विच द ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड एट 1 to 85 नैनोमीटर, क्या करना है आपको n फाइंड करना है जिसके लिए ट्रांजिशन कितने वेवलेंथ पे आए 1 to 85 नैनोमीटर पे आए, और उसका रीजन भी फाइंड करना है। रीजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है बच्चों, पाश्चन सीरीज है, पाश्चन सीरीज इंफ्रारेड रीजन में ही होता है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट था, बामर सीरीज विजिबल था, उसके बाद पाश्चन ब्रैकेट फन, तीनों के तीनों इंफ्रारेड में आते हैं, तो उसमें तो हमें कुछ गिनना ही नहीं, विल डायरेक्टली राइट दिस इज इन इंफ्रारेड रीजन, रीजन इज इंफ्रारेड। चलिए ये एन निकालना है, सो व्हाट फॉर्मूला वी हैव, अपने घर पे फोन कर पहले, द फॉर्मूला वी हैव इज फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 पावर 15 1/3² - 1/N² दिस इज गिवन टू अस राइट। अभी हमारे पास वेवलेंथ पूछा गया, क्या पूछा गया हमें, वेवलेंथ दिया गया लैम्ब्डा 1 to 85 नैनो इज 10⁻⁹ मीटर, कोई बात नहीं, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, सो वी नो द वेरी बेसिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, कि सी इज इक्वल टू व्हाट लैम्ब्डा इनटू एफ, सी इज इक्वल टू व्हाट लैम्ब्डा इनटू एफ, सो फ्रीक्वेंसी कितना होता है सी बाय लैम्ब्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट सी बाय लैम्ब्डा, तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या रख देंगे सी बाय लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 पावर 15 डिवाइड बाय 1/3² - 1/N² दिस इज व्हाट विल पुट ओके। चलिए सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्ब्डा का वैल्यू कितना है 1 to 85 × 10⁻⁹ दिस इज 3.29 × 10⁻⁵ दिस इज 1/3² - 1/N² अब बाकी सारा जो खेल है ना वो इसको सॉल्यूशन करने का है खाली, और आप सॉल्यूशन करते वक्त कोई भी गड़बड़ कर नहीं सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी मिस्टेक, इट इज 3 डिवाइड बाय 1 to 85 डिवाइड बाय 3.29
चलिए, दिस इज 0.0007096 इंटू 10 पावर कितना होगा, 8 प्लस 9 17, 15 पावर नीचे आएगा और फिर ऊपर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, 10 पावर 2 दैट इज 1/3² माइनस 1/n². ओके, तो ये हो गया आपका 10 पावर 2 करोगे तो 0.07096 इज इक्वल टू 1/3² इज 9 माइनस एन स्क्वायर, राइट। चलिए 1/n² को इस तरफ ले लीजिए, 1/n² इज इक्वल टू व्हाट इज 1/9, इफ यू विल डू 1/9 यू विल गेट 0.1111, ओके, और इसको सामने ले लीजिए माइनस 0.07096, सो योर 1/n² इज इक्वल टू, माइनस करूंगा मैं 0.07096 दैट इज 0.04, अरे जो 1/n², राइट, 1/n² का वैल्यू कितना आएगा 0.04, इन्वर्स करिए बच्चों, n² इज इक्वल टू 1/0.04, 0.04/1 करोगे तो ये आपका 25 आएगा, तो n² इज इक्वल टू 25, अंडर रूट निकाल लीजिए, n = 5, मतलब ये n का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, जिसके लिए आपको पाश्चन सीरीज में ये वेवलेंथ मिलेगा, और पाश्चन सीरीज का रीजन क्या होता है भाई, पाश्चन सीरीज का रीजन जो है वो फिक्स ही होता है इंफ्रारेड, इसमें आपको कुछ भी और दिमाग लगाना नहीं है, दिस इज इन इंफ्रारेड रीजन, समझ गए पूरा क्वेश्चन, क्लियर है, चलिए कॉपी करेंगे क्विकली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव मार्क्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड यू आर आस्क्ड एज कैलक्यूलेट द वेवलेंथ for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.325 nanometer and ends at 211.6 picometer, तो यहाँ पे आपको n1 n2 की जगह पे जो दो orbit के बीच में transition हो रहा है उसका radius लिया हुआ है, तो पहले आपको रेडियस के ऊपर से फाइन करना पड़ेगा वो कौन से नंबर का ट्रांजिशन है, बिकॉज वंस यू गेट दैट n1 n2 वैल्यू उसके बाद तो फॉर्मूला सिंपल है, रिडबर्ग क्वेश्चन, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों के फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम वी नो द रिडबर्ग इक्वेशन 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, this is the formula we have, right, that is 1/λ is equal to 109677 1/n1² minus 1/n2² centimeter inverse, the only thing you need to find is the value of n1 and n2, right। चले तो आपका इलेक्ट्रॉन पहले किस ऑर्बिट के अंदर था उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, सो आई विल राइट हियर चलिए पहला रेडियस आपको दिया है बच्चों R1 इज 0.3225 नैनोमीटर और दूसरा रेडियस आपको दिया गया है 211.6 पिकोमीटर, आप सिंपली सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले तो इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 12235 इंटू 10⁻⁹ मीटर एंड दिस इज 211.6 पिको इज 10⁻½ मीटर। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों रेडियस का फॉर्मूला, तो बोर अपने मॉडल में कहता है कि रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 52.9 n² / z² पिकोमीटर, राइट, ये फॉर्मूला है बोर मॉडल में, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज 52.9 n² / z² पिकोमीटर, है ये फॉर्मूला रेडियस का, इज इट दैट फॉर्मूला ऑफ द रेडियस इन बोअर मॉडल, राइट। चलिए तो जैसे ही मुझे रेडियस दिखा मेरे दिमाग में सीधा ये फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा, ओके, हाइड्रोजन के लिए आपको दिया होगा, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है ना कौन सा एटम के लिए है तो यू कंसिडर दिस फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड विल पुट जेड इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर विल पुट 1, राइट। चलिए तो आपका क्या बचने वाला है वो देखो बच्चों, तो आपका बचेगा यहाँ पे क्लियर, वट यू विल गेट, यू विल गेट दिस RN, चलो RN का वैल्यू पहले R1 लेते हैं, कितना वैल्यू है 1.3225 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 52.9 n² पीको, मतलब क्या होता है 10⁻¹2, पीको क्या होता है भाई 10⁻¹2। चलिए इसको सॉल्व करके हम n का वैल्यू लाएंगे, लेट मी गिव इट नेम एज n1² चलिए मैं जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करूंगा लेट मी टेल यू इसका आंसर कितना आने वाला है 1.3225 डिवाइड बाई 52.9 ओके इंटू 1000 दिस इज गोइंग टू बी 25 तो n1² कितना आएगा 25 आएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट n1 वैल्यू इज 5, अंडर रूट निकालो, दिस इज फिक्स्ड ऑन n1 वैल्यू इज 5, राइट, 51 इज योर n1 वैल्यू। चलिए फाइनल फाइंड करते इसके लिए n का वैल्यू कितना आएगा, वापस सेम फॉर्मूला डालेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 52.9 n² / z² पिकोमीटर, चलिए z इक्वल टू 1 ले लेंगे हाइड्रोजन है, तो चलिए nth ऑर्बिट का रेडियस आपको कितना दिया गया है 211.6 इंटू 10⁻¹2,
211.6 × 10−12 = 52.9 n² पिको कितना होता है 10−12 मीटर। चलो 10−12 यहाँ कट हो जाएगा और ये मुझे सीधा ही दिख रहा है 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो n² = 4। तो आपका n² का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। चलो तो मुझे n1 n² का वैल्यू मिल चुका है, मुझे बच्चों n1 n² का वैल्यू मिल चुका है, राइट। ओके, तो जो मुझे इस फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट है ना वो मिल चुका है, n1 n² का वैल्यू बराबर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। तो हमें n1 n2 का वैल्यू जो है वो मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि 1 λ = 109677 1/. चलो n1 n2 का वैल्यू देखो यहाँ पे, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है बच्चों, एमिशन है कि एब्जॉर्प्शन है, एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा। कहाँ आएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, बिकॉज ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। ओके, वेट फॉर अ सेकंड। ओके चलिए, तो हम एमिशन स्पेक्ट्रम है मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आने वाला है, मतलब यहाँ पे आपका n1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है। यू कैन राइट हियर 1/5² - n2 का वैल्यू कितना है, 2 है, 1/2² cm². हाँ ये भूलना मत भाई, ये फॉर्मूला में सेंटीमीटर इनवर्स है, हाँ एक एक चीज़ों में यहाँ पे मार्क करता है, राइट। कहानी नहीं लिखनी है अपने को, एग्जैक्ट चीज़ें चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, समझ गए ना। ओके चलिए, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे 1 λ कितना आएगा, 109677। अब यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका देखो अगर आप LCM करोगे तो 4 − 25 / 4 × 25 cm². तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल नहीं डरना है, एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम में एनर्जी रिलीज होता है, और जब एनर्जी रिलीज होता है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, रिलीज हुआ एनर्जी को हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं, दैट्स वाई योर आंसर विल बी नेगेटिव, बिल्कुल डरने का काम नहीं है। ओके चलिए, तो यहाँ पे अब इन्वर्स कर लो बच्चों, 1 λ है उसको इन्वर्स करो, क्या हो जाएगा 4 × 25 ऊपर आ जाएगा, ये 109677 नीचे जाएगा, 4 × 25 = 21 नीचे आ जाएगा, माइनस साइन में यहाँ रख देता हूँ। अभी ये इन्वर्स हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इन्वर्स में से क्या हो चुका है बच्चों, अभी आपका हो चुका है सेंटीमीटर। ओके चलिए, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस व्हाट विल वी गेट, विल गेट 100 ÷ 109677 ÷ 21, सो दिस इज गोइंग टू बिकम −0.00004341 cm। और यू कैन राइट दिस एज, अगर पॉइंट काट के लिखो राइट, अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं लिखना है और कोई और यूनिट में लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, इट इज −4.34 × 10−5 cm। अगर बच्चों मीटर में जाना है तो सेंटी इज 10−2 कितना हो जाएगा, 10−7 मीटर। दिस इज द एमिटेड वेवलेंथ, ये होगा आपका एमिटेड वेवलेंथ। चलो ये किस रीजन में होगा, ये किस रीजन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पे आ रहा है वो देखो, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली 2 में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से 2 में आ रहा है ना, तो ये सीरीज कौन सा होता है, बामर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से 2 में आ रहा है तो ये सीरीज कौन सा होता है, बामर होता है, यस और नो। पहला सीरीज लाइमन, दूसरा सीरीज बामर, एंड बामर सीरीज किस रीजन में होता है बच्चों, विजिबल में होता है, राइट। सो आई विल राइट दैट दिस इज बामर सीरीज, बामर सीरीज किस खुशी में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में आ रहा है, एंड बामर सीरीज किस रीजन में होता है भाई, विजिबल में होता है। किस में होता है, बामर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होता है, बामर सीरीज इज इन विजिबल रीजन। बोलो समझ में आया पूरा क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन आपका यही है बच्चा, n1 n2 वैल्यू ही रखने का क्वेश्चन था, बट आपको n1 n2 परोस के नहीं दिया है, आपको n1 n2 की जगह पे रेडियस दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप रेडियस का फॉर्मूला रख के सॉल्व करके n1 n2 निकाल लो, और फिर उस n1 n2 को जाके यहाँ पे रख लो एंड सिंप्लीफाई कर लो, करना क्या है और कुछ नहीं करना है। समझ लिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्लियर एकदम, खाली n1 n2 निकालना है रेडियस पर से। चलिए कॉपी करेंगे फटाफट सब बच्चे। सो द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस, नंबर 57, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है बट लेना कुछ भी नहीं है। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर प्रपोज बाय डी ब्रोगली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऑफन यूज फॉर द हाईली मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड अदर टाइप ऑफ द मटेरियल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट द इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव एज अ वेव नॉट एज अ पार्टिकल। If the velocity of the electron in this microscope is 1.6 × 10⁶, चलो हमें दिया हुआ है velocity of electron 1.6 × 10⁶ m/s, calculate the de Broglie wavelength lambda कितना होगा। So you know the formula, de Broglie wavelength lambda = h/mv, h is 6.626 × 10⁻¹⁴,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, वेलोसिटी इज गिवन 1.6 इंटू 10 पावर 6, सिंप्लीफाई कर लेना आपका आंसर आएगा 455 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, दैट इज पिकोमीटर। चलिए ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन 58 मैंने आपको होमवर्क दिया था, 59 भी होमवर्क में करोगे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। चलिए नंबर 60 क्या है देखो, तो नंबर 60 इज द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन मूविंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। नंबर 60 हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 इंटू 10 पावर 5। सो वी हैव द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन 4.37 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड। चलिए और क्या दिया है, इफ द हॉकी बॉल ऑफ मास 0.1 केजी इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो मास कितना दिया है बच्चों हॉकी बॉल का 0.1 केजी, और हॉकी बॉल भी अगर इतने ही स्पीड से मूव कर रहा है, दिस बोथ डेटा आर नाउ फॉर द हॉकी बॉल, देन यू वॉन्ट टू फाइंड वॉट इज द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद दिस हॉकी बॉल। तो वेव लेंथ का वापस वही फॉर्मूला रखेंगे, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम वी, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, हॉकी बॉल का मास है 0.1 और वो प्रोटॉन जितने वेलोसिटी से मोशन में है। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर मैं बता देता हूँ आपका आंसर आएगा 1.516 इंटू 10 पावर माइनस 38 मीटर। एंड यू कैन सी दिस वेव लेंथ इज वेरी स्मॉल, 10 पावर माइनस 38 में है, दिस वेव लेंथ इज वेरी स्मॉल एंड प्रैक्टिकली यू नेग्लेक्ट दिस वेव लेंथ, तो इट इज नेग्लिजिबल। तो आपको पता ही होगा बच्चों के हमने कहा था कि जो हाइजनबर्ग प्रिंसिपल है या जो डी ब्रोगली का प्रिंसिपल है वो खाली किसके लिए अप्लाई होता है, इट इज ओनली अप्लाइड फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर द बिगर ऑब्जेक्ट। फॉर बिगर ऑब्जेक्ट दे विल नॉट बिहेव एज अ वेव, बट द स्मॉल ऑब्जेक्ट इन मोशन विल बिहेव एज अ वेव, राइट। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। चलिए ये दो क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 61 में बच्चों ऐसा कहा है, इफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ, तो आपको दिया है एक्यूरेसी इन द पोजिशन, एक्यूरेसी इन पोजिशन, एंड दिस इज 0.002 नैनोमीटर। पोजिशन का एक्यूरेसी मतलब डेल्टा एक्स, 0.002 नैनो इज 10 पावर माइनस 9 मीटर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, चलिए मोमेंटम का अनसर्टेनिटी आपको डेल्टा पी फाइंड करना है। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, आपको और क्वेश्चन आगे दिया है कि सपोज द मोमेंटम इज गिवन बाय एच अपन 4 पाई एम इंटू 0.05 नैनोमीटर, इज देर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, इज देर एनी प्रॉब्लम इफ यू डिफाइन द मोमेंटम बाय दिस। ओके, सबसे पहले तो मुझे पोजिशन का अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, तो जैसे ये अनसर्टेनिटी एक्यूरेसी वर्ड आएगा हम सीधा हाइजनबर्ग को याद करेंगे, है ना। और हाइजनबर्ग क्या कहता है बच्चों, तो हाइजनबर्ग कहता है कि पोजिशन एरर एंड मोमेंटम एरर इज ऑलवेज मोर देन एच अपन 4 पाई। याद है फॉर्मूला हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, राइट। चलिए डेल्टा एक्स कितना है बच्चों, 0.002 इंटू 10 पावर माइनस 9, डेल्टा पी फाइंड करेंगे इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, सिंप्लीफाई करने पे मोमेंटम का एरर आता है 2.638 इंटू 10 पावर माइनस 23 मोमेंटम है, तो केजी मीटर पर सेकंड उसका हो जाएगा यूनिट, दिस इज द एरर इन मोमेंटम, राइट। चलिए अगर आपको मोमेंटम इस फॉर्मूला से फाइंड करना है तो क्या प्रॉब्लम होगा ये देखते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला दिया है एच अपन 4 पाई एम इंटू 0.005 नैनोमीटर, नैनो इज 10 पावर माइनस 9, तो इस फॉर्मूला में जब आप ये वैल्यू डालोगे ना एच और पाई का, तो आपका मोमेंटम का वैल्यू आएगा बच्चों 1.055 इंटू 10 पावर माइनस 24। अब ये क्या बात हुई, मोमेंटम का वैल्यू जो है वो 10 पावर माइनस 24 में है और मोमेंटम का एरर उससे ज़्यादा है 10 पावर माइनस 23 में। वैल्यू 10 पावर माइनस 24 में है और एरर 10 पावर माइनस 23 में है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वैल्यू से एरर ज़्यादा हो जाए, हाँ क्या ना। तो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग वैल्यू, ये नहीं कर सकते हम। आई विल राइट हियर, इट कैन नॉट डिफाइन द एक्चुअल मोमेंटम, इट कैन नॉट डिफाइन एक्चुअल मोमेंटम, as it is smaller than uncertainty,
दिस इज स्मॉलर देन अनसर्टेनिटी, मतलब ये मोमेंटम डिफाइन नहीं कर सकता है। चलिए कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद क्वांटम नंबर के क्वेश्चन करने हैं। चलो नेक्स्ट साइड ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर, क्या कहा गया है? इन ब्रोमीन योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं लिखना है, खाली पी ऑर्बिटल की बात की गई है। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या पूछा है? विच विल एक्सपीरियंस द लोवेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जो ऑर्बिटल सेंटर से सबसे दूर होगा ऑब्वियसली उसको न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम लगने वाला है। सेंटर से सबसे दूर कौन होगा भाई? 4p सबसे दूर होगा सेंटर से, तो उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा लगना है? सबसे कम लगने वाला है, वेरी सिंपल। चलो सेकंड, विच एक्सपीरियंस लार्ज इफेक्टिव चार्ज, लार्ज इफेक्टिव चार्ज मतलब जो सेंटर के ज्यादा पास होगा। चलो 2s एंड 3s कौन ज्यादा पास होगा? 2s इज क्लोजर तो उसको ज्यादा इफेक्टिव चार्ज लगेगा। चलो 4d एंड 4f, अब यहाँ पर दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, बट अगर आप d और f को कंपेयर करोगे तो f ऑर्बिटल जो है वो सेंटर से थोड़ा दूर होता है, d वाला सेंटर से पास होता है। दैट इज योर आंसर 4d। चलो यहाँ पर वापस 3d एंड 3p, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है, 3 है राइट। अगर आप पी और डी को कंपेयर करोगे तो पी सेंटर से ज्यादा पास होता है, एस इज द क्लोजेस्ट टू सेंटर, देन पी, देन डी एंड देन एफ फॉर सेम वैल्यू ऑफ एन। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव चार्ज एस को लगता है, फिर पी को लगता है, फिर डी को लगता है, और सबसे कम चार्ज किसको मिलता है? एफ को मिलता है, राइट। ओके चलिए बच्चों अगला सवाल सॉल्व करेंगे। क्या कहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन 3p ऑर्बिटल विच एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज। ओके सो अगर आप लिखोगे बच्चों एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 एंड सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे एल्यूमिनियम में सबसे बाहर आपका आने वाला है बच्चों, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, और यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 इलेक्ट्रॉन राइट। ये आपको मैंने सिखाया है कैसे लिखना है वो। ओके चलिए अब यहाँ पे सब दोनों के बाहर का इलेक्ट्रॉन तो p में ही है, बट दोनों में से किसको ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है? तो यहाँ पे ऑब्वियसली देखेंगे बच्चों सिलिकॉन के अंदर एटॉमिक नंबर 14 है, यहाँ पे 14 प्रोटॉन है, और एल्यूमिनियम में खाली कितने प्रोटॉन है भाई? 13 ही प्रोटॉन है राइट। और दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही डिस्टेंस के ऊपर है, 3p 3p में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर सेंटर में चार्ज ज़्यादा है तो इस वाले पी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर का अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगने वाला है, बिकॉज इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है। समझे आप? समझ में आई आपको बात क्या है वो राइट। दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के अंदर है, यहाँ पे सेंटर में 13 ही प्रोटॉन है, यहाँ पे सेंटर में 14 प्रोटॉन है, 14 प्रोटॉन ऑब्वियसली पुट मोर अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो हियर योर आंसर इज व्हाट? सिलिकॉन इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके राइट, क्यों भाई बच्चों? यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू लार्ज इफेक्टिव चार्ज इन न्यूक्लियस, ड्यू टू लार्ज इफेक्टिव चार्ज इन न्यूक्लियस, दैट इज वॉट यू आर सपोज टू राइट हियर। ओके चलो कॉपी करो। ओके सो यू वॉन्ट टू फाइंड द अनपेड इलेक्ट्रॉन, चलिए फॉस्फरस एटोमिक नंबर इज 15, इफ यू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ 15 यू विल गेट 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया ये? 10 हो गया, 3s2, 3p3। चलिए यहाँ पे तो सब कुछ पेयरिंग में होने वाला है, यहाँ पे अनपेड आएगा। P के अंदर होता है 3 सबशेल या 3 ऑर्बिटल, P के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है और सारे के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा p3। सो हियर योर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 3, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 3। चलिए सेकंड वन, सिलिकॉन एज एटॉमिक नंबर 14 अगर आपको करना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हो गया 12 एंड 3p2। चलो यहाँ पे तो सब कुछ पेयरिंग में ही होने वाला है, 3p, P के अंदर होता है 3 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन करना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गए आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितना आए बच्चों? यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आए। चलिए बारी है क्रोमियम, क्रोमियम एज एटॉमिक नंबर ऑफ 24, लेट्स फिल इट 1s2। चले क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों फटाफट। हु इज दिस? चलो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं बच्चों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल गेट? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, दिस इज क्रोमियम। ये हमने ऑलरेडी किया था एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में, क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन में ये आएगा d4 लास्ट में। अगर d4 है तो खतरे की घंटी, d4 है तो खतरे की घंटी, एक इलेक्ट्रॉन s में से उठ के कहाँ पे आता है? d में आता है। याद आया कि नहीं? एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम हैज द एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन s में से d में आता है। चलिए अब यहाँ तक तो सब कुछ पेयरिंग होगा,
यहां तक कोई अनपेड नहीं होगा, बट यहां पे 4s में एक ऑर्बिटल होता है, डी के अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर पांच ऑर्बिटल होते हैं। चलो एस में एक इलेक्ट्रॉन है और डी के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए यहां पे, देयर इज एन इक्वल टू 6 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे। बोलो किस किस का आंसर क्रोमियम में 6 आया था, किस किस का आंसर क्रोमियम में 6 आया था वो करेक्ट, जिसके आंसर क्रोमियम का 6 आया है वो करेक्ट है, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, आयरन, आयरन हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 26, आयरन हैज एटॉमिक नंबर 26। चलो 26 तक मैं भरू अगर इलेक्ट्रॉन तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, this is what you'll get, 3d6, right? Okay? ये हो गया आपके 26 इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां तक सब कुछ पेयरिंग होगा 4s तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन था इसलिए अनपेड आया था, यहां पे 4s में दो हो गए तो पेयरिंग हो जाएगा। अब बचा 3d, चलिए d के अंदर पांच ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड आए बच्चों, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, कितने हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 है इसके अंदर आयरन में, राइट। चलिए लास्ट वन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन एज एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, हीना, नीना और करीना, 36। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए क्रिप्टॉन जो है वो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज उसके अंदर पूरा ऑर्बिटल ऑर्बिट जो है वो भरा होता है, तो देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन क्रिप्टॉन, राइट। ओके चलो ऐसा कोई है जिसके सारे आंसर एक साथ में सही आए हो, ऑल आंसर करेक्ट, पांच के पांच आंसर सही आने चाहिए, वेरी गुड, जिनके पांच के पांच आंसर सही आए हैं वो समझ लो उनको बराबर से ही आ चुका है, राइट। चलिए लास्ट देखते हैं बच्चों 67, हाउ मैनी सबशेल आर एसोसिएटेड विद एन इक्वल टू 4। चलिए n इक्वल टू 4 है तो इसके लिए l का वैल्यू कितना आएगा, l का वैल्यू आएगा 0, 1, 2, 3, यस और नो, n इक्वल टू 4 के लिए l का वैल्यू कितना आता है, 0, 1, 2, 3, 0 मतलब s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल, f सबशेल, तो कितने सबशेल होंगे बच्चों n इक्वल टू 4 के साथ, 4 सबशेल होंगे, दैट इज 4s, 4p, 4d एंड 4f। सबशेल पूछा है ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल नहीं पूछा है, अगर ऑर्बिटल पूछा है तो एन स्क्वायर डायरेक्ट 16, अगर ऑर्बिटल पूछा है तो क्या करोगे, सीधा एन स्क्वायर, दैट इज 16। हमें सबशेल पूछा है, सबशेल मतलब एस पी डी है, तो यहां पे 4 सबशेल आएंगे। चलिए यहां पे बच्चों हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल टू 4 हैव स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ। चलिए सबसे पहले एन इक्वल टू 4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन इक्वल टू 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 2n स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन है 32। 32 इलेक्ट्रॉन में से आधे इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होगा, माइनस हाफ होगा, और बाकी आधों का स्पिन कितना होगा, प्लस हाफ, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ है और 16 इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो प्लस हाफ है, खत्म हो गया खेल। बोलो आई बात समझ में, क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, राइट। चलिए तो यहां पे आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होता है और आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर भी पूरा होता है।